वेलकम विज़न पॉइंट आई एम अंजलि मालविया योर इंग्लिश एक्सपर्ट तो यस आज होगा हमारा लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर पढ़ा था हाउ दिस क्वेल गॉट हिज स्ट्रिप्स राइट तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से उनके जो हार्डवर्क है उसकी वजह से उन्हें अप्रिसिएशन मिला श्री रामचंद्र जी का एंड इसी वजह से उनके जो बॉडी है उनकी जो बैक है एज अ मार्क ऑफ एप्रीसिएशन ये स्ट्रिप्स आई राइट तो इसी के हम आज करेंगे yes, तो रिवाइज so, yes. uh, कर लेते हैं एक बार कि हमने उसमें क्या देखा था हमने देखा था कि जब एक ब्रिज बनना था ठीक है जिसको हमने जिसको हम जानते हैं राम सेतु ये एक स्टोरी है जो रामायण से ली गई है तो जब राम सेतु बन रहा था क्योंकि राम जी और उनकी जो सेना थी उनकी जो वानर सेना थी उनको एक समुद्र क्रॉस करके सीता जी के पास लंका पहुंचना था तो उसके लिए एक सेतु तैयार किया गया एक ब्रिज तैयार किया गया तो इस ब्रिज में सब लोग ही अपना एक अहम रोल प्ले कर रहे थे इस ब्रिज को बनाने में राइट तो हमें पता है कि हर एक जो वानर थे जो मंकीज थे वो सारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको लेकर के आ रहे थे और यहाँ समुद्र में इस तरह से उनको डाल रहे थे ताकि एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाए तो एक गिलहरी ओके सो तो एक गिलहरी उसको उसने भी इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया तो जब वानरों ने देखा कि गिलहरी एक छोटी सी गिलहरी ये चीज़ कर रही है क्योंकि वो देखो इतनी छोटी सी थी तो वो कोई बहुत भारी भारी पत्थर तो ले नहीं आ पा रही थी जो छोटे छोटे से चिकने से पत्थर थे स्टोन छोटे छोटे बस वही लेकर के आ रही थी अपने मुँह में भर के तो बाकी के जो वानर थे मंकीज़ थे वो हंसने लगे उस गिलहरी पे कि ये तुम क्या कर रही हो है ना ये तुम्हें लगता है कि तुम ये छोटे छोटे जो तुम इतने छोटे स्टोन लेके आ रही हो इनसे हम लोग ब्रिज बना लेंगे हम लोग हैं यहाँ पे जो मंकीज हैं उन्होंने बोला कि हम लोग हैं हमारी पूरी सेना है हम लोग लगे हैं इस काम में और हम ये ब्रिज बना लेंगे बड़े बड़े पत्थर ले आ रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास ज्यादा ताकत है तुमसे तुम जाओ यहाँ से ये छोटे छोटे जो आ, स्टोन है इनसे कुछ नहीं होना है तो जो स्क्रल जो गिलहरी वो तब भी नहीं रुकी ठीक है वो अपना यही काम करती रह गई और कई बार वो उन बंदरों के रास्ते में आ गई है ना बंदर जो बड़े बड़े पत्थर लेकर के जा रहे थे उन्हीं के रास्ते में वो आ जा रही थी तो एक बंदर बहुत ज्यादा नाराज हो गया इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने उनको ऐसे धक्का दे दिया अब धक्का दे दिया तो वो गिलहरी जा करके ऐसे राम जी के हाथ पे आ गिरी ओके एंड और जो रामचंद्र जी थे फिर उस टाइम रामचंद्र जी ने देखा उन्होंने पूरी सिचुएशन समझा कि क्या हुआ क्यों उन लोगों ने धक्का दिया तो उन्होंने उनको उन्हों सिखाया उनको उन्होंने समझाया कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने आपके पास कितनी शक्ति है कितनी स्ट्रेंथ है ये डिपेंड नहीं करता ज़रूरी जो है वो ये है कि आप किस मन से किस लगन से उस काम को किसी भी काम को करते हो ठीक है गिलहरी के पास जो ताकत थी वो डेफ़िनेटली कम थी एज़ कम्पेयर टू अदर मंकीज राइट बट फिर भी उसका डेडिकेशन देखो उसका जो लव था जो प्यार था राम जी के लिए वो सिर्फ इसी प्यार इसी डेडिकेशन में ही अपना ये काम करती जा रही थी यस yes, तो रामचंद्र जी ने ये चीज़ समझाई कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अगर आपके अंदर प्यार है ठीक है अगर आप चाहते हो डेडिकेशन के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप करो आप किसी कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ा सकता तो ये उन्होंने एक सीख दी और जो बाकी मंकीज़ थे और उन्होंने इनके काम को गिलहरी के काम को बहुत अप्रिशिएट किया सराहा उन्होंने इस काम को कि हाँ तुम तुम्हारा प्यार देख करके मेरा मन भर आया और इसीलिए उन्होंने ऐसे उसकी जो बैक है उस पर इन्होंने ऐसे हाथ फेरा तो उनकी हाथ की लकीरों की निशानियाँ जो हैं वो उसके बैक पे पीछे आ गई तो यही हमारी पूरी स्टोरी थी और इससे हमें लेसन क्या मिला था ये भी इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखना यही कि हार्डवर्क हमेशा आपको एक सही राह ले जाएगा ठीक है और कभी हमें किसी का भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए चाहे वो हमसे कमज़ोर ही क्यों ना हो ठीक है जैसे ये गिलहरी स्ट्रेंथ में वीक थी एस मंकी कंपेयर टू मंकी बट इनका जो काम था ये लगातार पूरी शिद्दत के साथ पूरी डेडिकेशन के साथ लगी हुई थी राइट तो यस हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तो ये थी हमारे चैप्टर की बात तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स सो ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन हैं सो क्वेश्चन वन ये सारे क्वेश्चन दिस इज आंसर ओके वन बाय वन हम क्वेश्चन को और आंसर्स को डिस्कस करेंगे सो हाउ जस्टिफाई वॉट ही वॉज डूइंग? अब देखो स्क्वा से जो पूछा गया कि भाई ये क्यों कर रही हो है ना ये जो तुम्हारा काम है ये जो छोटे छोटे से स्टोन लेके आ रहे हो ये क्यों लेके आ रहे हो कोई मतलब का नहीं है तो वो स्क्वाल ने क्या आंसर किया जस्टिफाई मतलब कि अपनी जो काम है अपने जो काम को उसने कैसे सही बताया उसने कैसे समझाया कि एक्चुअली हम कर क्या रहे मेरा मेन एम क्या है क्यों हम कर रहे हैं ये काम तो द स्क्रल जस्टिफाइड व्हाट ही वाज डूइंग बाय सेइंग दैट तो स्क्वेरल ने कहा दैट ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ उसने कहा कि मेरे पास ज़्यादा ताकत नहीं है स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति ताकत बट ही कुड स्टिल हेल्प बाय कैरिंग पेपल्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प लॉर्ड राम इन वॉट एवर वे ही कुड यस तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ज़्यादा शक्ति नहीं है स्ट्रेंथ नहीं है बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं मदद करूँ श्री राम की इस पूरे ब्रिज के फॉर्मेशन में ठीक है बाय कैरिंग पेपल्स पेपल्स का मतलब वो जो छोटे से चिकने स्टोन ओके okay? छोटे छोटे स्टोन उनके थ्रू क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी क्षमता है मैं उतना उतनी यूटिलाइज करके मैं राम की हेल्प कर सकूँ ठीक है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाई द स्क्वा वॉन्ट टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज अब देखो अब क्वेश्चन क्या आता है कि वाई वाई का मतलब क्यों ठीक है तो यहाँ पे आ गया क्यों तो आ, इन्होंने कहा कि स्क्वाल जो है ये ब्रिज का फॉर्मेशन जो लगा था करने में ये रीज़न क्या था क्यों तो आंसर इज द स्वेर वॉन्टेड टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज बिकॉज क्योंकि ही हैड लव फॉर लॉर्ड राम राम उनके मन में के लिए बहुत ही प्यार था एंड वांटेड टू शो हिज लव फॉर हिम और वो चाहता था कि जो मेरे अंदर प्यार है वो मैं उनको प्रकट कर सकूं दिखा सकूं क्लियर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिस कम इन टू राम्स हैंड आप क्वेश्चन देखो कि जैसे हमने ये लास्ट इमेज में देखा कि ये इस तरह से उनके हाथ पे आ गई तो ये क्यों हुआ कैसे हुआ तो यही पूछा गया हाउ कैसे हो गया कि ये जो स्क्वेरल है ये उनके हाथ पे आ गई सो व्हेन वन ऑफ द मंकी पिक्ड द स्क्वेरल टेल एंड थ्रू हिम अवे अब देखो हमने बात की थी ना कि वो बार बार रास्ते में आ जा रहा था जो गिलहरी बार बार जो मंकीज थे उनके रास्ते में आ जा रहा था तो इस वजह से जो मंकी थे वो बहुत इरिटेट हो गए थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं राइट और ये हमें काम नहीं करने दे रहा तो उन्होंने क्या किया कि अपनी टेल अपनी पूंछ से उसको ऐसे थ्रू मतलब ऐसे धक्का दे दिया तो वही धक्का जब दिया तो वो जाकर के राम जी के हाथों में आ गिरा सो ही फेल इन टू लॉर्ड राम्स हैंड क्लियर है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द स्क्वेरल गेट हिज स्ट्रिप्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्क्वेरल है उसको जो उसके बैक पे ये निशान है तीन धारियां हैं ये उसको कैसे मिली सो राइट आंसर विल बी कि व्हेन द स्क्रल फेल इनटू लॉर्ड राम्स हैंड ही जेंटली एंड लवली रैन हिस्सिंगर ऑन द स्क्रल्स बैक तो जब वो उनके हाथ पे गिरी तो उनका डेडिकेशन देख के स्क्वेरल का कि कितना वो प्यार कर दिया है उनसे इसीलिए उन्होंने एज अप्रिसिएशन uh, उनको सराहा ठीक है और इस तरह से उन्होंने अपनी जो uh, हाथ फेरा उसकी बैक पे उसकी पीठ पे, तो उसी से उनकी निशानियाँ बन गई सो द स्ट्रिप्स ऑन द स्क्रल्स बैक आर द मार्क ऑफ लॉर्ड राम्स फिंगर उनके उंगलियों के ही निशान हैं वो ठीक है सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ना अब हम कुछ और देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन कि विच क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी अब लॉर्ड राम जो थे उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज ठीक है जिनको इस आ, पूरी स्टोरी में हाईलाइट किया गया है ठीक है उनमें क्या क्वालिटी थी ठीक है तो पहला कंपैशन या काइंडनेस वो बहुत ही दयालु थे ठीक है ये हमने देखा कि जो स्क्वेर जब उनके हाथ में आके गिरा तो उन्होंने उसको सराहा उसको प्यार से उससे बात की राइट तो बहुत ही ज्यादा दयालु थे काइंड मतलब दयालु ठीक है देन जेंटलनेस रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग यस उन्हें हर एक जीव की ठीक है हर एक जीव की कदर थी उन्होंने हमेशा उनकी इज्जत की ठीक है देन वॉट इज़ द मैसेज गिवन थ्रू दिस लेसन अब देखो हमें इस लेसन के थ्रू क्या शिक्षा मिली क्या लेसन मिला तो वो देखो वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द वीक ये सबसे पहली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये याद रखिएगा इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज़रूरी ये है जो हमें इस लेसन से सीखने को मिला वो ये है कि हमें कभी भी किसी भी वीक का वीक मतलब कमज़ोर है ना किसी भी कमज़ोर इंसान का किसी भी कमज़ोर व्यक्ति का या कोई भी कमज़ोर प्राणी का हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए नेवर मेक फन फ़न का मतलब होता है मजाक उड़ाना एंड स्मॉल जो हमसे छोटा है या हमसे कमज़ोर है हमें उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए स्मॉल का मतलब छोटा ओके लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ यस जो प्यार है वो ज़्यादा जरूरी है वो कहीं ज़्यादा जरूरी है फिजिकल स्ट्रेंथ से ठीक है आपकी बॉडी में कितनी ताकत है इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितना प्यार करते हो क्लियर है सो so, ये लेसन हमें मिला इस चैप्टर के थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है sure okay? एग्जाम में आ सकता है क्लियर है सो so, यस yes, अब हम आते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन पे ठीक है सो so, हम इस चैप्टर में हर एक चैप्टर में Uh, कुछ ग्रामर्स दिए हुए हैं ठीक है थीके? तो हम uh, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के पास उन ग्रामर को भी कवर करेंगे ठीक है चलो तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है हमारे ग्रामर का वो है एडजेक्टिव ओके सो so, एडजेक्टिव क्या होता है ये देखते हैं देखिए so, इंग्लिश में हम किस तरह से बात करते हैं ठीक है ठीके? जैसे हम हिंदी में हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है है ना तो हमें ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है बट वेन इट कम्स टू इंग्लिश तो इंग्लिश में हम किस तरह से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है uh, उसको हम बोलते हैं स्पीच राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच तो देर आर सेवरल पार्ट्स जैसे वर्ब हो गया नाउन हो गया एडजेक्टिव हो गया प्रेपोजिशन हो गया टेंस हो गया ठीक है मतलब ये सारी चीजें हैं जिनसे एक सेंटेंस बनता है इंग्लिश का ओके okay? जैसे यू आर वेरी ब्यूटिफुल ठीक है आप किसी को कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे तो आप यही बोलोगे कि अगर वो सुंदर है इंसान तो आप बोलोगे यू आर वेरी ब्यूटिफुल या यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल राइट सो so, ये जो आपने सेंटेंस बोला एक इंग्लिश में इसमें ये जो यू था राइट ये जो आर लगाया आपने एक्स्ट्रीमली एंड देन ब्यूटिफुल राइट आप बहुत खूबसूरत हैं हिंदी में इसका ये होगा अगर हम इसकी कन्वर्ट uh, करें हिंदी में तो, तो ये जो सेंटेंस हैं यू आर एक्सट्रीमली एंड देन ब्यूटिफुल तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे एक स्पीच के ये पूरा एक सेंटेंस बना रही है ना यही चीज़ हमारी एक पार्ट को कन्वे कर, uh, कर रही हैं दूसरे को अगर हमें कुछ बोलना है तो हम इसी चार सब uh, चार वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बना के हम सामने वाले को बोल रहे हैं तो ये सारे क्या हैं ये सारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो वन बाय वन हम एक एक चीजों को कवर करते चलेंगे तो आज का जो है हमारा टॉपिक वो है एडजेक्टिव ठीक है तो एडजेक्टिव क्या है देखते हैं एडजेक्टिव आर वर्ड्स ये एक ऐसे शब्द हैं ठीक है वर्ड का मतलब होता है शब्द ओके एंड सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य तो इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वर्ड का मतलब होता है शब्द ठीक है आप एक शब्द से एक पूरा सेंटेंस सेंटेंस का मतलब पूरा वाक्य जैसे यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल तो ये पूरा क्या है एक सेंटेंस है दिस इज नॉट अ वर्ड इसको आप एक सेंटेंस बोलोगे एक वाक्य बोलोगे अब उसमें से अगर हम एक चीज ले लें जैसे हमने ब्यूटिफुल ले लिया तो ये जो सिंगल एक ब्यूटीफुल उठाया हमने उस सेंटेंस से ये ब्यूटिफुल क्या हो गया ये ब्यूटिफुल हो गया वर्ल्ड ठीक है वर्ड मतलब एक शब्द हमने उठा लिया क्लियर है तो उसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना सेंटेंस और वर्ड में चलो सो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन यस अब देखो जैसे यहां पे था एक सेंटेंस यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल तो यहाँ पे नाउन नाउन क्या होता है नाउन किसी व्यक्ति ठीक है व्यक्ति विशेष या फिर स्थान को हम क्या बोलते हैं हम नाउन बोलते हैं अभी नाउन हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है बट अभी के लिए ये समझ लो जैसे हम व्यक्ति किसी स्थान को प्लेस को इन सब को हम एक नाउन मानते हैं तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है यू ठीक है यू इज नाउन ओवर दिस यू इज अउन तो यू का मतलब हो गया तुम समझ रहे हो तो हम बात किसके कर रहे हैं सामने वाले से करेंगे तो हम बोलेंगे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो तो ये जो तुम है वो क्या हो गया नाउन हो गया तो एड्जेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो एक नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइब का मतलब उनको समझाते हैं ठीक है एक्सप्लेन करते हैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो उसने एक विशेषता बताई कि किसकी सामने वाले की उसने एक विशेषता बताई कि तुम बहुत ब्यूटिफुल हो बहुत सुंदर हो तो ये सुंदर क्या हो गया उस सामने वाले की विशेषता हो गई राइट right? तो ये जो ब्यूटिफुल है ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव समझ रहे हो कि ये सामने वाले की एक नाउन की विशेषता बता रहे हो जैसे अब ये एक पर्सन के बारे में हो गया एक, एक व्यक्ति के अगर हम स्थान के बारे में देखें जैसे द ताजमहल इज वेरी ब्यूटिफुल ओके तो अब यहां पे किसकी बात हो रही है ताजमहल की बात हो रही है तो ताजमहल क्या हो गया एक नाउन हो गया ठीक है और ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्या हो गया मतलब हम ताजमहल की विशेषता बता रहे हैं राइट क्वालिटी बता रहे हैं जो कि क्या है बहुत खूबसूरत है ब्यूटिफुल है तो ये ब्यूटिफुल क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया क्लियर है चलो सो वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन जैसे ओल्ड ग्रीन एंड चेयरफुल आर एग्जाम्पल ऑफ द एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी भी थिंग के बारे में आप जब बताओगे ठीक है तो उसके बारे में आप किस तरह से उसका वर्णन करोगे ठीक है उसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना तो आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब करोगे यही कहलाता है एडजेक्टिव जैसे ये आदमी बहुत बूढ़ा है ठीक है या फिर ये आ, इस बॉल का कलर हरा है ग्रीन है राइट दिस बॉल इज ग्रीन इन कलर तो ये जो ग्रीन हो गया ये इसकी एक विशेषता है जो उसको अलग बना रहा है सबसे क्लियर तो उसी तरह से इसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लियर है आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू सो सो इट माइट बी यूजफुल टू थिंक एज एडजेक्टिव एज डी डिस्क्राइबिंग वर्ड ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये एक व्यक्ति का एक स्थान का क्या करता है वर्णन करता है डिस्क्राइब करता है क्लियर है जैसे यहाँ एग्जाम्पल कुछ देख लो कि एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब दी नाउन जैसे ये कुछ डिफरेंट हमारे टाइप्स हैं एडजेक्टिव के ठीक है जैसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इट गोज बिफोर द नाउन मतलब नाउन के पहले आ जाता है जैसे यू के पहले या फिर आ, किसी नाम के पहले या फिर किसी स्थान के पहले जब एडजेक्टिव लग जाए उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ठीक है एट्रीब्यूटिव मीन्स कि वो पहले लग चुका है जैसे अगर हम आ, किसी भी एक आ, फ्रूट की बात करें जो भी आपको फल पसंद है चलो मैंगो ले लेते हैं मैम हमें मैंगो बहुत पसंद है तो मैंगो हमें क्यों पसंद है क्योंकि वो बहुत जूसी होते हैं राइट right? तो जूसी मैंगो तो ये एक मैंगो क्या हो गया नाउन हो गया बट आपने जो एडजेक्टिव है जो उसका वर्णन है व्याख्यान है वो उसके पहले ही कर दिया कि जूसी मैंगो बहुत रसीले आम हैं राइट right? तो ये जो जूसी हो गया जो आपने एक आ, आम के पहले लगा दिया इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ठीक है जो नाउन के जस्ट पहले लग जाए समझ रहे हो देन नेक्स्ट आता है प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव ठीक है तो ये एडजेक्टिव क्या है इट आफ्टर द नाउन नाउन मतलब ये नाउन के बाद आता है जैसे एट्रीब्यूटिव पहले आ गया नाउन के ओके जैसे ब्यूटिफुल गर्ल ओके तो ब्यूटिफुल गर्ल क्या हो गया गर्ल एक नाउन हो गया और ये ब्यूटिफुल क्या हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया क्लियर है देन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया इट गोस आफ्टर आफ्टर का मतलब बाद ठीक है बिफोर का मतलब होता है पहले ओके एंड आफ्टर आफ्टर इज जस्ट ऑपोजिट का मतलब बाद में तो नाउन के बाद में आता है एंड कंप्लीट अ लिंकिंग वर्ब अब देखो कैसे टीना इज एंग्री अब देखो टीना यहां पे क्या हो गया टीना इज अ नाउन ठीक है, टीना नाउन हो गया एक हम एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये नाउन हो गया और नाउन को हम डिफाइन कर रहे हैं मतलब बता रहे है कि नाउन की विशेषता कि वो वक्त बहुत ही गुस्से में है एंग्री का मतलब गुस्सा तो ये जो एंग्री है ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया क्लियर है और ये इज इज क्या कर रहा है बेसिकली इन दोनों को जोड़ रहा है टीना इज एंग्री टीना बहुत नाराज है टीना नाराज है टीना गुस्से में है कि जो मे है हम हिंदी में बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में इज बोलते हैं क्लियर है चलो फिर नेक्स्ट आता है पॉस्ट पॉस्ट तो ये क्या है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव इट गोज इमीडिएटली आफ्टर अ नाउन मतलब नाउन के तुरंत बाद समझ रहे हो जैसे यहां पे एक बीच में वर्ब लगा लिंक जिसने किया जोड़ा इन दोनों को बट ये पोस्ट पॉजिटिव ये होता है जो कि तुरंत नाउन के बाद आ जाए ठीक है बीच में कुछ भी ना आए उसके जैसे समथिंग इस कैरी अब देखो समथिंग क्या है इट्स अ प्रोनाउन प्रोनाउन हम लोग सेपरेट एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे प्रोनाउन को और नाउन को भी इनफैक्ट तो हम डिटेल में वहां पे देखेंगे बट अभी एडजेक्टिव पे फोकस करते हैं सो समथिंग इस कैरी कुछ डरावना राइट right? तो ये जो स्कैरी है दिस इज दी

तो उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ठीक है जैसे रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन से ही ये कुछ लाइन ली हैं जैसे स्मॉल ब्राउन हैल एक छोटा भूरे रंग का गिलहरी ठीक तो ये जो स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल है तो देखो स्क्वेरल क्या हो गया दिस इज द नाउन राइट हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें लिविंग बींग की और ये स्मॉल छोटा ये क्या हो गया उसकी विशेषता हो गई उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं हम राइट right? उसके बारे में बता रहे हैं एक के बारे में कि वो छोटा है तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव क्लियर है दिस इज दी एडजेक्टिव देन ब्राउन भूरे रंग का है ये भी एक विशेषता हो गई सो दिस ब्राउन इज ऑल्सो एडजेक्टिव क्लियर है देन अ लार्ज हैवी स्टोन अब स्टोन वो पत्थर हो गया अब वो पत्थर कैसा है एडजेक्टिव ऐसे वर्ड हैं जो बताते हैं डिस्क्राइब करते हैं कि क्या कैसा है कौन कैसा है राइट right? तो स्टोन कैसा है लार्ज बड़ा ओके okay, तो ये भी क्या हो गया एक एडजेक्टिव हो गया और हैवी भारी भी है तो इट्स ऑल्सो अ क्वालिटी जो कि एक्सप्लेन कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है राइट तो दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव ठीक देन थ्री वाइट स्ट्रिप्स तीन सफेद धारियां तो ये वाइट वाइट इज ऑल्सो एडजेक्टिव जो की विशेषता बता रही है एक राइट right? और तीन कलर थ्री कलर है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एडजेक्टिव क्या होते हैं ये एक बेसिकली विशेषता बताते हैं एक क्वालिटी uh, बताते हैं ठीक है चलो फिर टू डिस्क्राइब एनी पर्सन प्लेस और थिंग ठीक है किसी भी पर्सन इंसान या जगह या फिर कोई सामान चीज़ उनको डिस्क्राइब करना एडजेक्टिव आर यूज टू टेल देयर साइज अब देखो एडजेक्टिव क्या बताते हैं बेसिकली उनके बारे में किनके? एक इंसान के एक जगह के या फिर कोई सामान के बारे में एडजेक्टिव बताते हैं ठीक है तो वो क्या क्या बता सकते हैं उनका साइज जैसे यहाँ पे हमने देखा स्मॉल छोटा है ना साइज़ बताते हैं देन कलर तो जै, जैसे हमने यहाँ पे देखा ब्राउन ब्राउन इज अ कलर एक रंग है भूरा रंग तो कलर के बारे में एज वो कितना बड़ा है एज क्या है उनकी उम्र क्या है देन ओरिजिन कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव बताते हैं क्लियर है, है? चलो so when two two or more than two adjective are are used used before a noun they are usually in the following order अब देखो कई बार क्या होता है कि हम एक दो या दो से ज्यादा adjective भी यूज करते हैं एक सेंटेंस में मतलब एक किसी इंसान के लिए या फिर जैसे यहाँ पे स्क्वेरल ठीक है स्क्वेरल के लिए हमने यहाँ पे दो एडजेक्टिव यूज किए एक स्मॉल ठीक है जिसमें उसकी साइज बताई गई दूसरा उसका रंग बताया गया भूरा है ना तो यहां पे हमने उसका दो एडजेक्टिव यूज किया क्लियर है एंड सेम यहाँ पे लार्ज हैवी तो यहां पे भी दो हुआ तो ये एक ऑर्डर में चलता है ओके सो ये ऑर्डर लिखा है कि किस तरह से हम पहले क्या क्या डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले जैसे ओपिनियन जैसे लवली ठीक है और डिलीशियस ये सब क्या है एक आप ओपिनियन मतलब एक आपने आ, उनको कहा कि आप बहुत ही लवली हो ठीक है आप बहुत ही प्यारे हो आ, कोई भी चीज़ आपने खाई ये बहुत ही डिलिशियस बहुत ही स्वादिष्ट है तो ये चीजें जो हैं एक आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो तो ये चीजें पहले आएंगी फिर उसके बाद क्या आएगा साइज उसकी क्या साइज है फिर उसके बाद आएगा शेप ठीक है शेप क्या है जैसे यहाँ पे देखो लार्ज लार्ज साइज है स्मॉल स्मॉल इज ऑल्सो आ साइज है ना तो वो पहले आ गया क्लियर है फिर उसके बाद से आएगा शेप कि उसका शेप कैसा है लंबा है गोल है फिर उसके बाद से एज आएगी कि एज क्या है अगर मान लीजिए हम किसी की आ, एज डिफाइन करते हैं फिर आएगा कलर तो अब देखो यहाँ पे स्क्वाल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले आ गया उसका साइज ठीक है तो उसके बारे में शेप एज दी नहीं है फिर डायरेक्टली आ गया कलर इसलिए हमने यहाँ पे ब्राउन स्मॉल स्क्वायरल नहीं लिखा है हमने लिखा है स्मॉल ब्राउन स्क्वा ठीक है समझ रहे हो तो उसका अरेंजमेंट ऐसे होगा फिर आता है ओरिजिन कि वो कहाँ से ओरिजिन है उसका इंडियन है कि कौन से कंट्री से है वो फिर आता है मटेरियल जैसे ऑयल वुडन लेदर ठीक फिर उसके बाद से आता है एंड में नाउन सो so, ये पूरा अरेंजमेंट का एक पूरी आ, एक पूरा प्रोसीजर है ओके यही इसी पैटर्न में हम किसी भी नाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं ठीक है जिनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लियर है सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू सो ये कुछ एक्सरसाइज है ठीक है कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगी ठीक है तो आपको कमेंट करके मुझे इसको बताना है ओके द राइट आंसर विल बी बट कुछ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी सो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग टू एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस अब देखो यहाँ पे हमें दो एडजेक्टिव यूज करना है क्लियर है दो एडजेक्टिव तो माय फेवरेट पोजीशन इज एन मेरा फेवरेट पोजीशन क्या है तो ये आपको होमवर्क है ठीक है द फर्स्ट वन इज योर होमवर्क यू हैव टू कम एंड डाउन बिलो द राइट आंसर ओके नाउ आई वुड लाइक टू बाय एंड फॉर माय मदर अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि आई वुड लाइक टू बाय मैं खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं ठीक है डैश अपनी मदर अपनी माँ के लिए तो अब बताओ यहां पे राइट आंसर क्या होगा हमें यहां पे दो एडजेक्टिव यूज करने हैं ठीक है तो आप आ, कलर कह सकते हो या आप कुछ भी ऐसा कह सकते हो जो कि इसमें बैठ जाए फिट जैसे कि आई वुड लाइक टू बाय एंड या ए टेल मी द राइट आंसर विल बी Uh, आप कह सकते हो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल इज ऑल्सो एन एग्जेक्टिव तो स्मॉल भी यहाँ पे फिट हो जाएगा राइट जैसे हमने यहां पे देखा राइट यहां पे हमने देखा फिर उसके बाद से हमने शेप देखा राउंड लॉन्ग ये भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद से हमने कलर देखा आप कलर यूज कर सकते हो राइट आप कह सकते हो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ब्राउन जूलरी फॉर माई मादर या स्मॉल गोल्ड एन ज्वेलरी फॉर माई मादर यू कैन यूज दैट ऑल्सो फिर उसके बाद से आप कई सारे जो एडजेक्टिव हैं आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते होके सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ एड्जेक्टिव विच यू कैन यूज ओवर योर ठीक है देन माई फादर हैज़ डैश माई फादर हैज डैश नाउ वॉट आप इसमें दो एडजेक्टिव यू हैव टू यूज two adjectives over here. now my father has uh, you can use anything from यहाँ से आप देख सकते हो ठीक है my father has lovely black car you can say right so ये यह यहाँ पे utilize कर सकते हो आप then I like dash I think she is dash actress अब यहाँ पे Um, जैसे आई लाइक हार्ड वर्किंग विमेन या हार्ड वर्किंग लेडी एंड आई थिंक शी इज ब्यूटिफुल एक्ट्रेस यू कैन यूज दैट वर्ड ऑल्सो ब्यूटिफुल हार्ड वर्किंग ये सब क्या बता रहा है क्वालिटी बता रहा है राइट right? ये सब क्या रहा Quality बता रहा है क्वालिटी बता रहा है देन आई लिव इन एंड डैश अब यहाँ पे आप ये बता सकते हो आपका ओरिजिन क्या है जैसे आई लिव इन आप अपनी जगह बता सकते हो या फिर स्मॉल ओल्ड हाउस बता सकते हो एलिवेन एन स्मॉल ओल्ड हाउस ठीक है तो ये सारे क्या हो गए एडजेक्टिव्स हो गए क्लियर है सो so ये आपका होमवर्क है ये इनफैक्ट वन टू फाइव आप और कोई नए एडजेक्टिव जो भी हमने कवर किए हैं उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो आप इस लाइन्स में फिल कर सकते हो ठीक है भर सकते हो तो वो आपका होमवर्क है यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो कि वॉट अदर एडजेक्टिव दैट यू कैन ऑल्सो यूज ओके अब दो नहीं आ रहे हैं दो एडजेक्टिव तो जस्ट यूज़ अ सिंगल इट्स इट विल बी ओके ठीक है मैं समझ जाऊंगी बट एटलीस्ट आंसर इट ओके सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू Uh, for any other inquiry, just call on this number or visit the website. Till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.